उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कोरोना के संक्रमण के बावजूद देश आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है, और अगर हम अपनी जीडीपी देखें तो उससे भी ये ध्यान में आता है कि इन सारे संक्रमणों के बाद और इन सारी मुसीबतों के बावजूद भी देश ने आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने का संकल्प जो रखा है उसको उन्होंने गति दी है और देश आर्थिक दृष्टि से सही दिशा में चला है, ये हम सब लोग जानते हैं। सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के उनके नेतृत्व में हम सब लोग चल रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो कल बजट रखा गया वो प्रो पीपल बजट रहा, प्रोग्रेसिव बजट रहा, प्रोडक्शन के साथ बढ़ने वाला बजट रहा, ईज ऑफ लिविंग इस सिद्धांत को आम आदमी को अपने जीवन के यापन में कोई मुसीबत ना आए, बिना तकलीफ के वो आगे बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान करे, इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बजट में रखा है। निर्मला सीतारमण जी ने उनके मार्गदर्शन में मोर ग्रोथ मोर जॉब एम्प्लॉयमेंट के साथ किस तरीके से विकास को आगे बढ़ाना है और ग्रोथ के तरीके से इकोनॉमी कैसे बढ़ती है इस पर भी उनको उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में चर्चा की गई है वह आने वाले समय में अमृतकाल में देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक संकल्प है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये महसूस करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में आर्थिक दृष्टि से देश मजबूत हो रहा है और हमें नहीं करोड़ों लोग ये महसूस करते हैं कि उनके मार्गदर्शन में आर्थिक दृष्टि से किस तरीके से देश का विकास बढ़ रहा है और उसको और आगे बढ़ाना है, इसका हम सबको आज मार्गदर्शन मिलने वाला है। हमारे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इन पर इस विषय पर उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा देर न रहते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वह हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें और उनको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे करोड़ों कार्यकर्ता आपके बताए रास्ते पर चलकर देश को मजबूती प्रदान करने में अपना पूरा योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि वह हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। नमस्कार। देश भर से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिवादन। मैं सबसे पहले तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की और मुझे भी खास करके बजट की पीछे हमारी सोच क्या है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत करने का अवसर दिया। वैसे कल निर्मला जी ने बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छे ढंग से और बड़ी कोशिश करके कम समय बजट के कुछ पहलुओं को हमारे सामने रखा। बजट स्पीच में पूरा बजट तो संभव नहीं होता क्योंकि बजट अपने आप में बहुत बड़ा दस्तावेज होता है, बहुत बारीकियां होती है और सदन में उन सब चीजों पे बोलना संभव भी नहीं होता है। मैं भी आज आपसे जो बात करूंगा वो भी शायद बजट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बोल पाऊंगा क्योंकि इसमें इतने विषय होते हैं, लेकिन जब विभागवार चर्चाएं होती हैं और ये साल भर का काम है उसको एक घंटे में बता देना बड़ा कठिन होता है।
फिर भी जब अध्यक्ष जी ने कहा कि इसके पीछे सरकार की सोच क्या है जरा आप बताएं तो अच्छा होगा, तो मैंने कहा ठीक है, पार्टी का आदेश मेरे सर आंखों पर है और आज लोकसभा भी दोपहर के बाद है, तो मैंने कहा ठीक है अगर आज सुबह हम बात कर सकते हैं तो फिर इसलिए आज आपके बीच आने का मुझे मौका मिला है। साथियों, आज देश आजादी के 75वें वर्ष में और इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से आज हिंदुस्तान लड़ रहा है। कोरोना का ये कालखंड पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर के आया है और एक प्रकार से दुनिया उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जहां पर टर्निंग पॉइंट निश्चित है। आगे जो दुनिया हम देखने वाले हैं वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना काल से पहले थी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में बहुत बदलाव आए, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है और इसके प्रारंभिक संकेत नजर भी आने लगे हैं। हम सब ने इस बात को मार्क किया होगा, अनेक कोने से सुना होगा, बहुत सी चीजें पढ़ी होगी और आप भी दुनिया में कहीं जाते होंगे, मिलते होंगे तो आप भी अनुभव करते होंगे। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत जैसे विशाल देश को, लोकतांत्रिक देश को और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी विविधताओं को संभालते हुए चल रहे देश को अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं और इसलिए पूरा विश्व भारत के लिए नए सिरे से जब देख रहा है तो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम हमारे देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं, अनेक विविध क्षेत्रों में बदलाव लाएं, मजबूती लाएं। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। कल जैसा मैंने पहले कहा, निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है, बाय एंड लार्ज हम देखें, पॉलिटिकल एंगल अगर हम छोड़ दें तो जो आर्थिक विषय के लोग हैं, समाज जीवन के लोग हैं, अखबारों में भी देखेंगे, कल टीवी चैनलों की डिबेट में देखेंगे, बजट का बहुत स्वागत हुआ है, बहुत सराहना हुई है। और आपने भी देखा होगा किस बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, जब हम आज के बजट की चर्चा करेंगे तो सापेक्ष भी होती है, कुछ तो पुरानी बातों की तुलना करेंगे तब पता चलता है। बीते 7 वर्षों में जो निर्णय लिए गए
जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। 68 साल पहले भारत की जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए की थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,000 करोड़ के आसपास की है। वर्ष 2013-14 में भारत का एक्सपोर्ट 2,85,000 करोड़ रुपए होता था। आज भारत का एक्सपोर्ट 4,70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। 7 साल पहले करीब $275 बिलियन का विदेशी मुद्रा रिजर्व हमारे देश के पास था। आज देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व $630 बिलियन को पार कर गया है। वर्ष 2013 में देश में $36 बिलियन का विदेशी निवेश FDI था। पिछले साल ये $80 बिलियन को पार कर चुका है। कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से दुनिया का एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत तेजी से सुधार आ रहा है और फंडामेंटल्स मजबूत है। इस साल का बजट इसे और गति देने वाला है। साथियों, जब गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाते हैं। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रही है और ये बात मैंने लाल किले पर से भी कही थी। अब मैं एक वो छोटा उदाहरण देता हूं, जैसे जल जीवन मिशन। अब हम हमेशा सुनते आए हैं, गांव में, घर में, समाज में, सरकार में, राजनेताओं में, सब में क्या सुनते हैं, हर कोई कहता है जल ही जीवन है। सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी सच्चाई है। पानी की दिक्कत, पानी की कमी, गरीब के जीवन की, महिलाओं के जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और आजादी के 75 साल के बाद भी है। किसान को भी, छोटे किसान को खासकर, पानी के बिना बहुत दिक्कतें हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में करीब करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है और इसमें से करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्ष में दिए गए हैं। अब बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़
ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। और जब ग्रामीण घर की बात आती है तो उसमें अधिकतम समाज किसानी से जुड़ा हुआ होता है, खेत के काम से जुड़ा हुआ होता है, उसका समय बचेगा, माताओं बहनों का समय बचेगा, वो कृषि के समय में अपना योगदान दे पाएगी। इस पर पानी पहुंचाने के लिए, घरों में पानी मेरी माताओं बहनों को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए पहले करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया था, अभी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। कभी हमारे देश में हमारी माताओं बहनों को, गांव को पानी के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया खर्च करके आगे बढ़ना ये छोटे निर्णय नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में नदियों को लिंक करने के अनेक प्रस्ताव इस बजट में हैं। विशेष रूप से केन बेतवा को लिंक करने के लिए जो 1,000,000,000,000 रुपए का प्रावधान किया गया है, उससे यूपी और एमपी के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, हम रानी की झांसी का गर्व करते हैं ना, मैं उस बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं, जिस खाजुराहो की चर्चा करते हैं मैं उस बुंदेलखंड की बात करता हूं, वहां की तस्वीर बदलने वाली। पानी के अभाव में वहां के किसान के नौजवान बेटे रोजी रोटी के लिए कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तक जाना पड़ता है। ये केन बेतवा योजना किसान के जीवन में, खेती में तो बदलाव लाएगी लाएगी, किसान के जीवन में बदलाव लाएगी। और इस योजना पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरे किसान भाइयों बहनों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए मैं जब छोटा था लखपति शब्द बहुत बड़ा लगता था। लखपति यानी कितनी बड़ी दुनिया है, सुनते ही कान खड़े हो जाते थे। लेकिन हमने जो गरीबों को घर दिया है ना, उसकी कीमत के हिसाब से देखे तो हमने पिछले 7 साल में 3 करोड़ गरीबों को पक्के घर देकर उन्हें लखपति बनाया है। जो गरीब थे, जो झोपड़पट्टी में रहते थे, अब उनके पास अपना घर है। पहले के मुकाबले हमारी सरकार ने इन घरों के लिए राशि भी बढ़ाई है और समय की ध्यान को रखते हुए घरों की साइज भी बढ़ाई है, ताकि बच्चों की पढ़ाई न छूट जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जगह मिल जाए। बड़ी बात यह भी है कि इसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर भी है, यानी हमने महिलाओं को घर की मालकिन भी बनाया है। साथियों, हम सामाजिक न्याय के लिए तो हमेशा काम करते हैं और इसे अपना दायित्व समझते हैं। जैसे समाज की भलाई के लिए सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है, वैसे ही देश की भलाई के लिए भी देश का संतुलित विकास भी जरूरी है। भारत जैसे देश में कोई क्षेत्र पिछड़ा रहे, कोई इलाका अविकसित रह जाए, ये ठीक नहीं है। और इसलिए हमने आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अभियान शुरू किया था। इन जिलों में गरीब की शिक्षा के लिए, गरीब के स्वास्थ्य के लिए, गांव की सड़कों के लिए, बिजली पानी के लिए जो काम हुए उसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। अब इस बजट में घोषणा की गई है कि आकांक्षी जिलों में राज्यों के साथ मिलकर
आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम चलाया जाएगा, यानी उसे और नीचे ले जाया जाएगा, यानी विकास का लाभ आखिरी छोर तक पहुंचाने का एक वैज्ञानिक तरीका है और धन का सदुपयोग करने का, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का और फोकस एक्टिविटी करने का एक रास्ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर जरूरी सुविधाएं पहुंचे, इस पर सरकार का जोर है। साथियों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाएं, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, हमारे जवान दिन रात डटे रहते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारे सेना के जवान जो सीमा पर तैनात है, हमारे सुरक्षा बल के जवान जो सीमा पर तैनात है, उनको वो सीमावर्ती जो गांव है ना, वो भी एक प्रकार से किले का काम करते हैं और उन सीमावर्ती गांवों का देशभक्ति का जज्बा भी